ये देखो भाई साग लेके खाने इन्हां दे नदी दे विच लगे में तो हुण लैटरिन दा लगा चैड़ियां दा गंदा नाला आउंदा इत्थे जिथे साग धो रहे हैं। चैड़ियां काकरों किते भी बेचदे हैं देख लो पछाण लो इन्हां बंदियां नूं ठीक है। मदवाड़े दे रहण वाले आ झुंगियां वाले चैड़ियां दे गंदे नाले च नदी च गंदा नाला आउंदा उत्थे साग धो रहे हैं। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी। हाँ जी खालसा टीवी चैनल तो गल कर रहे तुहाडे नाल। हाँ जी हाँ जी। ते एक जिवें गंदे पानी दे विच सब्जियां धो रहे ने इधर तुहाडे एरिए दी दसी जांदी है वीडियो वायरल होई है तुहानू ओहदे बारे जानकारी है? मनवाड़ा दी है। मनवाड़ा दी है। अच्छा ए तुहाडे पिंड दे है? हाँ साढ़े पिंड रहिंदे है झुंगियां थले मनवाड़े विच रहिंदे किराए ते रहिंदे रहे। एक प्रवासी बंदे है? हाँ प्रवासी है जी। हाँ जी। अच्छा इहदे बारे पहले भी तुहानू किते पता लग्गिया वी इदां इह सब्जियां गंदे पानी विच साफ करते नहीं? पहला वी डुम डम धोंदे ते जाई रोके ते पहले धोंदे ते करदे कम करदे सारे ही करदे जी इक सारे ही करदे जी। अच्छा तुसीं रोके पहला भी? हाँ पहला भी एक दो बार डुम धोंदे फिर रोके गंदा पानी शुरू करते सिमल करते गंदे पानी करते। हुण भी लगातार इसे पानी विच धो के ले जांदे? उसी में धोंदे होंगे मैनूं तां अज पता लग्गिया होय चैड़ियां दी वीडियो है जी साढ़े पिंड दी वीडियो चैड़ियां दी लगदी। बरसात हो रहा लोग फिर विरोध नहीं कर रहे उन्हां तो खरीद भी रहे हैं ते सामने देख भी रहे हैं। नहीं पहला भी पुल पर रेडिया खड़ा के डुम दी पानी बगत हुई है फिर नाके धोण लाए पे ते हुण तुसीं किवें चाहुंदे जी की होएगा वी जाके अगे जिहा ना होवे इन्हां नूं तुसीं समझाया जाएगा जां कानूनी कोई कारवाई कराओ? कारवाई करवा पंचायत बुला ली वैसे अहीं चले उहनूं बुलाउण। ठीक है जी। मैं पंचायत इकट्ठी कर ली वैसे उहनूं पुछदे बुला के जी। हां जो भी तुहाडा पंचायत दा इन्हां नाल फैसला हुंदा है उह सानूं जरूर दस्सिओ उह तों बाद जो कि हैगा असीं आके तुहाडा फिर पक्ष लवांगे इत्थे। कोशिश कर रहे पंचायत नूं बुला के क्योंकि जे लोकां दी जिंदगियां नाल खिलवाड़ है इन्हां नूं रोकना समझाउणा बहुत जरूरी है। ठीक है अपना किता करन सब्जियां दा पर लोकां नूं चंगा समान तां देण जेकर इह बीमारियां ला के दे रहे ने तां बहुत वड्डा नुकसान है साडा। हांजी माड़ी गल है क्योंकि सरपंच साहब ਇਹ ਪਰਖਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਜੀ ਕਰਾਲੀ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 60-70 ਝੁੰਗੀਆਂ ਜੀ 60 ਝੁੰਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।